तो हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑटो शेल्टर। तो दोस्तों, मिड साइज एसयूवी का जो सेगमेंट है उसमें भी दो नई गाड़ियों ने एंट्री ली है। और ये जो दो नई गाड़ियां हैं वो है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा और टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाइराइडर। दोस्तों, दोनों गाड़ियां जो है भाई भाई है और दोनों गाड़ियों के जो फीचर्स है वो ऑलमोस्ट हमको सिमिलर ही देखने को मिलते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन दोनों गाड़ियों के प्रोज और कॉन्स के बारे में। इन दोनों गाड़ियों में हमको अच्छा क्या देखने को मिलता है और क्या क्या हमको इसमें बुरा भी देखने को मिल जाता है, ये हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, जो कि हमको इन गाड़ियों को बाय करने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है दोनों गाड़ियों की रिलायबल इंजिन्स। दोनों गाड़ियों में जो है हमको एक माइल्ड हाइब्रिड और एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, ऐसे जो दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन है वो देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसमें जो माइल्ड हाइब्रिड वाला इंजन है वो हमको सुजुकी का देखने को मिलता है, जो कि हमको रिसेंटली ब्रीजा या फिर एक्सएल सिक्स में वगैरह देखने को मिला है। वही हम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात करें तो वो हमको टोयोटा का देखने को मिलता है, और टोयोटा की जो रिलायबिलिटी है वो भी बहुत ही बढ़िया है और डिसेंट सी है। तो दोस्तों, दोनों गाड़ियों में हमको बेहतरीन रिलायबल इंजन मिलने वाला है और ये जो है दोनों गाड़ियों का एक बेहतरीन प्लस पॉइंट भी होने वाला है। दोस्तों, सेकंड पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वो है इन दोनों गाड़ियों का माइलेज। दोस्तों, इंजन हमको बहुत ही रिलायबल मिलने वाले हैं, तो माइलेज जो है वो भी बहुत ही डिसेंट सा मिलने वाला है। दोस्तों, इन दोनों गाड़ियों की जो क्लेम माइलेज है वो 21 KMPL तक की है, और जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला इंजन है वो हमको 27 KMPL तक की बहुत ही बेहतरीन माइलेज जो है वो निकाल के देने वाला है। और दोस्तों, ये जो माइलेज फिगर्स है वो सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा भी है। तो दोस्तों, इन मामले में जो इन दोनों गाड़ियाँ जो है सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से बहुत ही आगे निकल जाती है, और ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़े और बात करें दोनों गाड़ियों के थर्ड पॉजिटिव पॉइंट के बारे में, तो वो है दोनों गाड़ियों के कुछ मॉडर्न फीचर्स। दोस्तों, इन दोनों गाड़ियों में हमको सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आजकल के कस्टमर की डिमांड है। और बाकी मॉडर्न फीचर्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में हमको जो है 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 9 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऐसे जो फीचर्स है वो देखने को मिलते हैं। और ये जो है बहुत ही डिसेंट से फीचर्स दोनों गाड़ियों में ऑफर किए गए हैं। दोस्तों, बात करें इन गाड़ियों के फोर्थ और सबसे तगड़े वाले प्लस पॉइंट के बारे में, तो वो है फोर व्हील ड्राइव। दोस्तों, दोनों गाड़ियों में हमको जो फोर व्हील ड्राइव मिलने वाला है, जो कि एक एसयूवी में बिल्कुल होना ही चाहिए। अभी हम इसको जो है एक एसयूवी कह सकते हैं, और ये गाड़ियाँ जो है ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ही कैपेबल भी हमको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, बात करें फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट के बारे में, तो वो है दोनों गाड़ियों के लुक्स। दोस्तों, गाड़ियों के जो लुक्स है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न और बहुत ही यूनिक से रखे गए हैं। दोनों गाड़ियाँ दिखने में हमको थोड़ी बहुत सिमिलर देखने को मिलती है, लेकिन डिज़ाइन में जो है बहुत से चेंजेस भी हमको देखने को मिलने वाले हैं। अब इन दोनों गाड़ियों में से आपको कौन सी पसंद आती है वो आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड है, लेकिन लुक जो है वो सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से थोड़े से मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक से दिए गए हैं। दोस्तों, ये हो गई पॉजिटिव पॉइंट्स की बात। अब हम बात करते हैं दोनों गाड़ियों के कुछ निगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला निगेटिव पॉइंट है वो है गाड़ियों के कुछ मिसिंग फीचर्स। दोस्तों, इसमें हमको मॉडर्न फीचर्स भी मिलते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स जो है वो हमको मिसिंग भी देखने को मिलते हैं। पहला जो फीचर है वो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, दूसरा है इलेक्ट्रिकली पार्किंग ब्रेक, तीसरा है एयर प्योरीफायर, और चौथा है रेन सेंसिंग वाइपर्स। दोस्तों, ऐसे जो फीचर्स है वो हमको इन दोनों गाड़ियों में मिसिंग देखने को मिलते हैं। सेकेंड नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है गाड़ियों की पूर सेफ्टी और प्लास्टिक क्वालिटी। दोस्तों, अगर हम गाड़ी में बैठते हैं तो हमको गाड़ी में बैठते ही ये फील आ जाता है कि ये जो प्लास्टिक है ये बिल्कुल मारुति सुजुकी वाला ही है। इस गाड़ी में जो प्लास्टिक वगैरह यूज़ किया गया है वो मारुति सुजुकी की जो कम रेंज वाली गाड़ियाँ है उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर देखने को मिलता है। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश जो है हमको थोड़ी सी पुअर नज़र आती है बाकी गाड़ियों के कंपेरिजन में। दोस्तों, थर्ड नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है इन गाड़ियों के लीस्ट पावर इंजिन्स। दोस्तों, इन गाड़ियों में हमको रिलायबल इंजिन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जो पावर फिगर्स है वो बाकी गाड़ियों से बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है। और दोस्तों, इन गाड़ियों में हमको जो डीजल इंजन का ऑप्शन भी नहीं मिलता है, और बहुत से लोग जो है उनको डीजल इंजिन पसंद आते हैं, तो ये गाड़ी का एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो दोस्तों, ये हमने देख लिए दोनों गाड़ी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। दोस्तों, हर एक गाड़ी में कुछ ना कुछ नेगेटिव होता ही है, बाकी ओवरऑल गाड़ियाँ बहुत ही डिसेंट है और बुकिंग्स वगैरह जो है वो दोनों गाड़ियों को बहुत ही बेहतरीन मिल रही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट और टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।